सरकारी जमीन को अपना बताकर लोगों को भ्रम में रखते हुए प्लॉट बेचने वाले भूमाफियाओं पर इंदौर कलेक्टर ने एफआईआर की तैयारी कर ली है। जी हां, शुक्रवार शनिवार को हुए भौतिक सत्यापन के विशेष अभियान में लगभग दर्जन भर मामले ऐसे निकले हैं जिसमें सरकारी जमीन को निजी बताकर प्लॉटिंग की गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर जिले में सरकारी जमीनों पर धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां काटने का सिलसिला कोई नया नहीं है। शहर के भूमाफिया सरकारी जमीन को अपनी बताकर लोगों को प्लॉट बेच देते हैं, बाद में प्लॉट धारक परेशान होता रहता है। इस अवैध कारोबार के चलते सरकारी जमीनों पर भी अतिक्रमण हो रहे हैं। इसके विरुद्ध इंदौर कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने एक अभियान प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे, जिसकी रिपोर्ट अब आ चुकी है। शुक्रवार शनिवार को किए गए इस अभियान के तहत एडीएम से लेकर पटवारी स्तर के अधिकारियों ने शहर के कई साइट का सत्यापन किया था और इसी सत्यापन के आधार पर सबसे ज्यादा गड़बड़ी सिरपुर, अहिरखेड़ी, सुखलिया गांव, धार रोड पर मिली है। कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव के मुताबिक अधिकारियों से बातचीत में लगभग 12 से 15 मामले ऐसे निकले हैं जिनमें बाकायदा एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। बस अधिकारियों को त्योहारों से फ्री होने का इंतजार है। हम लोगों को विभिन्न माध्यम से जानकारी संज्ञान में आ रही थी कि शहर के क्षेत्र में, शहर की सीमा के बीच में जो सरसाइट की भूमियाँ हैं उसमें कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। अतिक्रमण करने के साथ साथ कुछ प्रकरणों में ये भी जानकारी प्राप्त हो रही थी कि नोटरी के माध्यम से प्लॉटिंग करके लोगों को भी बेचा जा रहा है। आम लोगों को कई बार जानकारी नहीं होती कि वो जो जिस ज़मीन का संव्यवहार कर रहे हैं उसकी लीगलिटीज़ क्या है, वो निजी ज़मीन है, शासकीय ज़मीन है, या फिर प्लॉट लेने के पहले कॉलोनी का प्रॉपर लाइसेंस है या नहीं है, और जिसका खामियाजा ना बाद में भुगतना पड़ता है, लीगल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने दो दिन का विशेष अभियान चलाया था और हमारे सभी राजस्व अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार आ रही मौके पर मौजूद थे। उन्होंने लगभग ऑलमोस्ट सभी साइट्स का सत्यापन कर लिया है। विशेषकर जो सिरपुर, अहिरखेड़ी, सुखलिया और एयरपोर्ट के पास का जो क्षेत्र है वहाँ पर इस तरह के इंसिडेंट्स हैं ज़्यादा मिले हैं। जाँच पूरी हो गई है, अभी रिपोर्ट का कंपाइलेशन अंतिम स्टेज पर चल रहा है और अभी राजस्व अधिकारी क्योंकि त्यौहार के और लॉ एंड ऑर्डर में व्यस्त हैं, तो होपफुली हम लोग दो तीन दिन में इस रिपोर्ट को कंपाइल करके और कुछ प्रकरणों में संज्ञान लेके उसमें एफआईआर की कार्रवाई भी कराएंगे। कलेक्टर जाटव के मुताबिक सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग करना किसी सुनियोजित षड्यंत्र से कम नहीं है, इसलिए प्रशासन एफआईआर से कम कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अभी रिपोर्ट क्योंकि कंपाइलेशन अंतिम स्टेज पे है, बट जो प्रारंभिक चर्चा मेरी उनसे हुई है तो मुझे लग रहा है कम से कम 12 या 15 प्रकरण ऐसे निकल सकते हैं जहाँ पे हम लोग एफआईआर दर्ज कराएंगे। इसमें दोनों तरह की स्थिति आ रही है, क्योंकि व्यक्ति अगर जानबूझकर शासकीय भूमि पे कब्जा करके प्लॉटिंग कर रहा है तो वो ऑब्वियसली वो सुनिर्देशन की श्रेणी में ही आएगा, जो कि बहुत गंभीर है। तो इस तरह के सभी प्रकरणों में हम लोग कार्रवाई करेंगे और एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। हालांकि आपको बता दें कि राजस्व अधिकारियों का मूल काम ही सरकारी जमीन का संरक्षण करना है। इसके बाद भी जिले में सरकारी जमीनों पर धड़ल्ले से कब्जे हो रहे हैं जो राजस्व अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।